नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S25 5G versus Oppo Reno 6 Pro 5G Diwali Edition का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy S25 5G में 6.29 इंच जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Galaxy S25 5G में 2.93 इंच जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy S25 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy S25 5G में 0.33 इंच जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy S25 5G में 190 ग्राम्स जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 177 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy S25 5G में Super AMOLED जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy S25 5G में 6.5 इंचेस जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy S25 5G में 85.68% जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 88.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy S25 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 402 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy S25 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy S25 5G में Adreno 650 जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में Mali G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy S25 5G में Qualcomm Snapdragon 865 और Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में MediaTek Dimensity 1200MT6893 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy S25 5G में 8GB जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy S25 5G में 128GB जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy S25 5G में अप टू 1TB जबकि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
गैलेक्सी S25 5G में 3 कलर्स जबकि रीनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी S25 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 47,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें रीनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन की तो वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी S25 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो रीनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन की तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी S25 5G आगे है, मेन कैमरा में रीनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी S25 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है जो कि 43,999 रुपए में मिलता है, दूसरा Oppo Reno 6 है जो कि 31,890 रुपए में मिलता है, तीसरा Xiaomi Mi 11X है जो कि 30,499 रुपए में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro है जो कि 41,999 रुपीस में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।